इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। पीछे 7 तक मतलब कि उसको बता दिए गए क्वेश्चन में, और यह जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझिएगा किस तरीके से यह बनता है। सबसे पहले इसमें जो निकालना है ना, उसी को हम लोग को एच मानना है। यहाँ पे क्वेश्चन का लास्ट लाइन में कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल याद करें, तो हमको किससे एच मानना है? रेलगाड़ी की चाल। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है पहला लाइन से, उसको मेन टॉपिक को निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में कहा कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी हमारे पास क्वेश्चन में दूरी दे रखा है, दूरी कितना है 360 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन बनता है यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। अब देखिए चाल में कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। एक बात बताइए, जब आपको पहले से कुछ पता रहेगा तब ना उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले से कुछ भी पता नहीं है, तो हमको चाल के ही बारे में दिया है और चाल ही निकालना है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये 360 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितना चाल से, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, तो इसमें लगने वाला समय क्या हो जाएगा, क्योंकि जो समय लगेगा उसी के अनुसार हमको चलना भी है, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, चलिए दूरी कितना है 360 किलोमीटर, और चाल अभी हम लोग माने कितना एक्स, यानी हमारे पास जो समय का मान आएगा वो 360 बटा एक्स घंटा। ठीक है, और इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा तरीके से ये समझ में आ गया, लिखा गया। अब दूसरे बार का क्वेश्चन कहता है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी जो चाल से पहले चल रहा था गाड़ी अब उससे कितना अधिक हो जाना चाहिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हम बोल सकते हैं कि नया जो चाल है गाड़ी का इसके अनुसार कितना है x प्लस 5, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों बोला, क्योंकि पहले से क्या कहता है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी जो चाल से पहले चल रहा था उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक यानी बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो नया चाल इसके अनुसार इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, तो वह उसी यात्रा का कहने का मतलब 360 किलोमीटर की ही यात्रा में, यानी हमारे पास जो दूरी दे रखा है फिर से कितना दे रखा है 360 किलोमीटर ही दे रखा है। ठीक है, तो उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है, यानी जो भी पहले समय ले रहा था उसमें से माइनस हो जाएगा 1, क्योंकि ये समय जो घंटा में था क्वेश्चन में भी 1 घंटा कम बोल रहा है, तो समय में से 1 घंटा जो घटा देंगे वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये तीनों टॉपिक समझ में आया। अब इन तीनों टॉपिक से जो बनेगा उसको बना देते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा किससे बनेगा, समय बराबर इक्वेशन बनेगा इसी से, समय बराबर दूरी बटा चाल से। अब चलिए समय जो इसमें खर्च हुआ है ना, वो समय पहले वाले समय से 1 घंटा कम खर्च हुआ है, तो पहले वाले समय कितना है बाबू, देखिए तो पहले वाले समय का मान कितना है 360 बटा x है, तो पहले वाले समय में 360 बटा x में 1 घंटा कम करके यहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए इतना कितना लगा देना बराबर दूरी कितना था 360 वही रह जाएगा। अब बटा चाल कितना है, चाल कितना है नया वाला चाल के अनुसार x प्लस 5 देंगे, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से बोला कि समय पहले से 1 घंटा कम खर्च हुआ है और इस फॉर्मूले में हमको लगाना था, तो समय का मान 360 बटा x आया, 360 बटा x माइनस 1 कर करके यहाँ पे इसका समय का मान निकाल दिए, दूरी वही चल रहा था, चाल नया चाल से x प्लस 5 चल रहा था, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं यहाँ तक आ गए। अब चलिए जो x वाला पार्ट है वो x वाले पार्ट के पास आने की कोशिश करेगा, और जो नंबर है वो अपना अलग सेपरेट हो जाएगा। तो अगर हम इसको इधर बुला लेते हैं, तो इधर तो हो जाएगा 0, लेकिन अभी हमको 0 नहीं दिखाना, हमको 0 लास्ट में समीकरण के तौर पे दिखाना, तो ये जो -1 है जो खुला है उसको उधर भेज देंगे बराबर के उस तरफ, तो किसमें आ जाएगा +1, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये 360 बटा x ये अपने जगह पे रहेगा, लेकिन 360 x बटा x प्लस 5 जो है इसको बराबर के इस तरफ लाके -360 बटा x प्लस 5 कर देंगे। अब बराबर जो -1 है उधर लाके क्या बन जाएगा,
प्लस है, इतना हम लोग को करना है। इतना कर लेने के बाद आगे इसका वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, आगे हम इसको मिटा करके यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। आगे मिटा करके बताते हैं इसको किस तरीके से। चलिए जो मानेंगे वो सब आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 360 बटा एक्स, उसके बाद है माइनस माइनस 360 बटा एक्स प्लस 5 इक्वल टू कितना है 1। इस चीज को लिख लिए। चलिए इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का कोई एलसीएम नहीं, इन दोनों को गुणा के रूप में इस तरीके से लेना बता चुके हैं। अब जब भागा देंगे तो x से x कटेगा, बचेगा कौन x प्लस 5। ये x प्लस 5 टोटल ऊपर वाले से गुणा होगा, तो ऊपर में 360 है, तो 360 से गुणा करना है किससे, x प्लस 5 को। चलिए बीच में जो माइनस दिया माइनस, अब x प्लस 5 से x प्लस 5 वाला कट जाएगा, जो x बचता है वो ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, यानी 360 इंटू एक्स, तो 360x बराबर में बन। चलिए अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इसको गुणा करते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 360x प्लस 360 को 5 से गुणा करेंगे तो 1800 बनता है। अब ये माइनस 360x अपने जगह पे नीचे वाले पार्ट को भी गुणा कर देंगे, तो x x गुणा होगा तो क्या बनेगा x स्क्वायर, और x को 5 से गुणा करेंगे तो 5x बराबर। चलिए सॉरी यहाँ पे 360x था, 360 लिखे। अब देखिए 360x से वो प्लस में वो माइनस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए इसके नीचे क्या है, एक हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक से गुणा करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही हमारे सामने आएगा बराबर। अब ऊपर तो इन दोनों तो कट गया, नीचे वाला कितना ऊपर में 1800, 1800 को एक से गुणा किया तो कितना बन जाएगा 1800 ही बनेगा। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब प्लस 1800 अब ला देंगे इधर, माइनस 1800 बराबर में 0। तो यहाँ पे हमारा ये क्या बनता है, समीकरण बना। अब समीकरण को भी हल करना है। चलिए तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद समीकरण को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। चलिए जो समीकरण है उसको हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, यही समीकरण दिया गया। चलिए ए का मान यहाँ पे क्या है, एक, बी का मान है 5 और सी का मान है माइनस 1800, ठीक है। तो हम डी निकालते हैं, तो डी बराबर क्या होगा फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू माइनस 1800। सॉल्व होकर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये माइनस हो जाएगा प्लस 4 एकम 4 और 1874, ठीक है, यानी 7200 मिलके बनेगा 7225, ठीक है, मिलके कितना बनेगा 7225। इसको टोटल सॉल्व करने के बाद अब यहाँ से x का फॉर्मूला लगा देंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2 है। x बराबर माइनस बी, बी देखिए प्लस में है तो यहाँ पे ब्रैकेट लेने की कोई जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 7225 बट्टा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। एक्स बराबर माइनस 5 प्लस माइनस, इसका रूट जब निकालेंगे तो 85 आता है बट्टा 2 एकम 2। अब एक बार 85 को प्लस में एक बार 85 को माइनस में लिखते हैं, तो एक्स बराबर माइनस 5 प्लस 85 बट्टा 2, इधर लिखेंगे एक्स बराबर माइनस 5 माइनस 85 बट्टा 2, इधर से घट करके आ जाएगा 80 बट्टा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी माइनस 45।